नमस्कार आपण समस्त मोर चैनल प्रियास किचन को स्वागत। मुझे आज समस्त नहींक्की आसी पोटल आलू तरकारी। चलत रेसीपी स्टार्ट करवा। देखो पोटल आलू तरकारी बनवाई प्रथम मुझे पोटल को नहीं 300-400 ग्राम भितर पोटल हम ताको भल भाव आम धोईकी काटि नेबा। देखो पोटल को भल भाव धोईकी सेप्र काटि काटि सारापर देखु मुझे आलू को नहीं दुटा बड़ आलू को चोपा छड़ेमी काटि एवं आसतु पोटल आलू को भल भाव भाजी ने प्रथम देखो मुझ गैस लगे से कड़े को बसई नहीं कड़े बसई सारापर से आम सोरिष तेल को देवा। आपण पसंद हिसाब से आपड़ रिफाइंड तेल भी नहीं पारे। तेल पूरा भल भाव गरम हो सारापर से आम आलू को पकेबा आ भल भाव भाजी ने देखु आलू ये आम पूरा भल भाव भाजी सारा एवं आसतु आम गोटे जगह को काढ़ी ने आलू को काढ़ी सारापर से सेम कड़े आम पोटल को भी भाजवा। तेल जेहेतु टी कम से मुझे आउ कि तेल को पकई नहीं तेल पकई सारापर से आम काटिक रखी पोटल को पकई ने भल भाव भाजी ने देखो पोटल ये आम पूरा भल भाव भाजी सारा एवं आम गोटे जगह को काढ़ी ने पोटल आलू पूरा भल भाव भाजी सारापर एवं आसतु आम तरकारी बनवा। तरकारी बनवाई मुझे सोरिष तेल को नहीं तेल पूरा भल भाव गरम हो सारापर से आम गोटे तेजपत्र को पकेबा आ गोटे छोट डालचीनी को पकेबा तापर से आम 4-5टा गोलमरीच को पकेबा। एबे आम से कटा कंचा लंका को पकेबा राग आपण हिसाब से आपड़ ये नहीं पारे। एवं आम 10 सेकेंड भल भाव टी भाजी ने कंचा लंका टी भाजी सारापर से आम कटा पिज को पकेबा। देखो मुझे गोटे पिज को एमती चप कर काटि रखी थी ताको पकई नहीं पिज लाल पड़िया पर्यंत भल भाव भाजी ने पिज एम पूरा भल भाव भाजी सारा से आम अदा रसुण पेस्ट को पकेबा। एटी अदा रसुण 3-4 चम्मच ही हम एवं आम भल भाव कषि ने अदा रसुण कंचा स्मेल जावा पर्यंत। अदा रसुण को मीडियम फ्लेम रे 5 मिनिट भल भाव कषि सारापर से आम टमाटो बटा को देवा। देखो गोटे बड़ टमाटर को मुझे ग्राइंडिंग करके रखी थी एवं से टमाटो पेस्ट को मुझे दूसरी एबे आमे ताको भल भाव मिक्स करने अदा रसुण पेस्ट सहित टमाटो को भल भाव कषि ने मसला एबे आमर 20-30% कषि सारा टमाटोर कंचा स्मेल पड़ेगा। एबे आमे सेथिरे सुखिला मसला को पकेबा। देखो मुझे गोटे छोट चमच हलदी गुंड पकई नहींपर से आम 2 चम्मच काश्मीरी लंका गुंड पकेबा। ये लंका गुंड रे बेसी राग न थाए कलर टिके आसी थाए राग किंतु आपण हिसाब से आपड़ ये नहीं पारे। एवं आम से गोटे चम्मच करी मसला पकेबा। आपण करी मसला जगार सब्जी मसला भी पकई पारे ना खड़गपुर मसला भी पकई पारे। तापर से आम गोटे चम्मच धनिया गुंड पकेबा आ गोटे चम्मच जीरा गुंड पकेबा। तापर से अल्प टिके पानी दे मसला को भल भाव कषि ने गैस फ्लेम को मीडियम रखी थे ना मसला तलू लगे। मसला जेहेतु पूरा ड्राई हो गला से मुझे अल्प टिके पानी दे भल भाव कषि नौजी। आपण मसला कसला बेले जो लगे से अल्प अल्प पानी दे मसला को भल भाव कषि ने मसला को एबे मु 50% कषि सारा से आम गोटे कप पानी देवा आगे भल भाव मिक्स करी घोड़ी देदे मसला पूरा भल भाव कषा पर्यंत। आपण गैस फ्लेम को लो रे रखी थे आ लो फ्लेम रे ही 5 मिनिट घोड़ी देखिए छाड़देवे 5 मिनिट एवं आम हो सारा एवं आसत आम घोड़ी काढ़ी ने देखो मसला के भल भाव कषि जा तेल भी छाड़ा स्टार्ट कर सारा एवं आम भल भाव मिक्स कर भाजिकी रखी आलू को पकई ने मसला सहित भल भाव मिक्स करने देखु आलू सहित मसला पूरा भल भाव मिक्स हो जाए आम भाजिकी रखी पोटल को पकई ने भल भाव मिक्स करने मिक्स कर सारापर आपरे पा न दे कि पोटल आलू को मसला सहित भल भाव कषि ने जा देवे
एबे देखंतु मसला सहित पोटल आलू को मुझे भल भाव कषि नहीं चीज पानी आड करवा आपत जी ग्रेवि रखापे चाहूबे से हिसाब से पा दे मुझे दुई ग्लास पा दौची पा दे सारापर से आम स्वाद अनुजाई लुण देवा लुण पक सारापर से आम कभर देखिए फुटाप छाड़दे 15 मिनिट हाई फ्लेम मझे मझे आपड़ टी कभर काढ़ी चेक कर नौ थे 15 मिनिट पर देखु मुझे कभर काढ़ी नौ जेहेतु आलू टी सीझाक टाइम लगी थाए से मुझे बिना कभर में आउ 5 मिनिट हाई फ्लेम टी फुटे ने देखु तरकारी को मुझे पूरा भल भाव फुटे सारापर तरकारी कनसीस्टेन्सी को मुझे एति ही रखी आपत जी ग्रेवि रखापे चाहूबे निज हिसाब से रखिपारे एवं से गोटे चामच गरम मसला गुंड पकईवापर कि कटा धनिया पत्र को पकई गोटे 2 मिनिट फुटे नापर गैस को अफ करदे जदि आपण मानक मोर रेसीपी पसंद आए तो प्लीज मो वीडियो को लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ता सहित बेल आइकन को निश्चय दबेबे जहाद्वारा मो वीडियोर नोटिफिकेशन आपण प्रथम जीवन एवं मुझे रोची पुणी देखा नेक्स्ट एक रेसीपी सहित लव यू ऑल जय जगन्नाथ।